हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल बंसीधर फैशन पॉइंट में। आज हम बात करना है काउंटर के बारे में। काउंटर हमें कितना लंबा चाहिए, कितना चौड़ा चाहिए और साथ में कितना ऊंचा चाहिए, ये बात आपको नहीं पता होगी। अगर पता है तो और बहुत अच्छी बात है, और नहीं पता है तो ये वीडियो आपके लिए है। तो हम सबसे पहले जान लेते हैं कि काउंटर की हमें ऊंचाई कितनी होना चाहिए। अगर हम काम काटते हैं तो हमें इस तरीके का काउंटर होना चाहिए। जैसे मेरी हाइट है 5 फीट 10 इंच, तो ये काउंटर मेरी हाइट के हिसाब से मुझे काम काटने में इजी होना चाहिए। देखिए, इस तरीके से मैं काम काट लूंगा तो ये बहुत सही मेरी हाइट के हिसाब से काउंटर बना है। आपकी हाइट अगर मुझसे कम है तो आपको इस साइज का काउंटर नहीं लगेगा, आपको आपके हाइट के हिसाब से इस जगह को मिलाते हुए आपको काउंटर लगेगा। इस तरीके से देख लीजिए कि आपको इस तरीके से आपको काउंटर की साइज पता चल जाएगी कि आपको कितनी ऊंचाई का काउंटर चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं कि हमें काउंटर कितना चौड़ा होना चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमको काउंटर कितना चौड़ा होना चाहिए और क्यों। अगर आप ब्लाउज काटोगे या फिर ब्लाउज सलवार सूट, ये दो चीज ही काटोगे तो आपको काउंटर चाहिए सिर्फ 2 फीट चौड़ा। 2 फीट चौड़े में आपको ज्यादा जगह भी नहीं घेरेगा और वो इजीली हर जगह पर रखा जाएगा। तो देखिए, मेरा जो काउंटर है वो 2 फीट चौड़ा है। मतलब मेरा काउंटर आ रहा है, ये जो बीडिंग लगी है इसको लगाने के बाद मेरा काउंटर 25 इंच का आ रहा है, जो कि 2 फीट 1 इंच हो जाता है। और चौड़ाई में जो मेरा काउंटर है, देखिए इस तरीके की चौड़ाई में जो मेरा काउंटर है वो 48 इंच का आ रहा है, और साइड में जो ये बीडिंग लगी है उसके हिसाब से थोड़ा सा काउंटर बढ़ जा रहा है। तो इतना काउंटर मेरी हाइट के हिसाब से और मेरे काम काटने के हिसाब से बहुत हो जाता है। अगर मुझे इससे ज्यादा काम काटना रहता है तो मैं दूसरे काउंटर पे काटता हूँ, तो ये काउंटर मेरा डेली काम काटने के लिए बहुत हो जाता है। अब हम देख लेते हैं इस पे, जैसे हमने साइड में ये टेप रख दिया, एक कैंची रख दी और ये चौक रख दिया। अब चौक रखने के बाद हम एक ब्लाउज का पीस बिछा लेते हैं। देखिए, इस तरीके से हमने ब्लाउज का पीस बिछा लिया। अब ब्लाउज का पीस बिछाने के बाद अब हमें इसमें स्केल भी रखनी पड़ती है, तो मैं स्केल रख देता हूँ। एक स्केल रख दी मैंने, और ये दूसरी स्केल रख दी मैंने। देखिए, फिर भी मेरे पास काम काटने के लिए स्पेस बहुत सारा बचा है। अगर आप पानी से कपड़े को प्लेन करते हैं और मग्गा रखते हैं तो मग्गा रखने के लिए ये जगह हो जाती है। मेरे बोलने का मतलब ये है कि हमें इतने काउंटर में बहुत अच्छी तरीके से काम काटने के लिए जगह मिल जाती है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि काउंटर की लंबाई चौड़ाई किस तरीके की रखना चाहिए। तो मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, और हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को कर दीजिए लाइक और हमारे चैनल से जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब करके नए वीडियो में फिर मिलेंगे इसी तरीके की जानकारी के साथ। जब तक के लिए बाय बाय, घर में रहे और सुरक्षित रहे।